खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नेठराना गांव के बासिंदे दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर वर्क्स तो बना हुआ है, परंतु ग्रामीणों को उसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा। वाटर वर्क्स में पानी को शुद्ध करने के लिए 2 फिल्टर प्लांट बने हुए हैं, जो काफी समय से खराब है। इसके चलते ग्रामीणों को सीधा ही वाटर वर्क्स का दूषित और रॉ वाटर पीना पड़ रहा है, जिससे गाँव में जल जनित बीमारियां भी फैल रही है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के वाटर वर्क्स पर एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। जनता जल योजना के तहत 2 प्राइवेट कर्मचारियों के भरोसे पूरा वाटर वर्क संचालित हो रहा है। वाटर वर्क्स प्रांगण में झाड़ झंकार और चारों तरफ गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, वाटर वर्क्स की डिग्गियां भी गंदगियों से अटी पड़ी है, जिन पर ना तो विभाग ध्यान दे रहा और ना ही ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान दे रही, जिसके कारण ग्राम का वाटर वर्क्स अपनी बदहाली और दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वाटर वर्क्स की चार दीवारी भी जगह से टूटी हुई है, जिसके चलते आवारा पशु और कुत्ते डिग्गियों में खुलेआम विचरण करते हैं। गांव के वाटर वर्क्स पर विभागीय कर्मचारियों के अभाव में टैंकर वाले भी सीधे ही डिग्गियों से पानी चोरी कर महंगे दामों पर गांव में बेचते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है।